आज के वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा चैप्टर वन का एग्जांपल वन। हम लोग क्लास टेन मैथ्स का चैप्टर वन कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट वन और पार्ट टू में मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें हम लोग सीखे थे दैट इज रियल नंबर क्या होता है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में देखे थे, दैट इज व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर और उसी के साथ साथ व्हाट इज इरेशनल और रेशनल नंबर। ठीक है, अगर वो सारा कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग इसका पिछला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे यूक्लिड्स कंसेप्ट। यूक्लिड्स जो होता है, यूक्लिड्स जो कॉन्सेप्ट था वो किसके लिए फॉलो करता है। यूक्लिड्स ने एक इक्वेशन दिया था दैट इज a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी इक्वल टू नहीं, आर इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये था यूक्लिड्स का कंसेप्ट, ये इक्वेशन उसने दिया था और इसके थ्रू हम लोग कोई भी दो नंबर का एसएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्जाम्पल वन से, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। यहाँ पे इक्वेशन एग्जाम्पल वन में हमें ये बोला गया है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। हम लोग को यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज करके हम लोग को इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, तो दोनों में से बड़ा नंबर ये है, तो इसको पहले लिखेंगे 12576 इज ग्रेटर देन व्हाट 4052। ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यूज करना है कौन सा, यूक्लिड्स कंसेप्ट। ठीक है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम को यूज करके मैंने आप लोग क्या समझाया था, इसका हम लोग एग्जांपल भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी बड़ा नंबर होगा आपको इस साइड लिखना है दैट इज 12576। उसके बाद इक्वल साइन देके ये जो छोटा नंबर होगा उसको इस साइड लिखना है 4052। ठीक है, अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसको इस नंबर से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना दिया है 12576, तो अगर 12576 को करें 12576 और किससे करना है दैट इज 4052 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अगर वन जा करते हैं 4052 वन जा तो ये बहुत कम आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से करते हैं। तो अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6 15 1 12 1 2 1 5 6 लगभग क्या बोल सकते हैं, इसके नजदीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4052 13 जा कितना गया 12156। ठीक है, अब इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा 7 में से 52 और यहां से 5 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाए बिकम 4। ठीक है, 4, सो दैट मींस हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं दैट इज 4052। हम लोग जानते थे, मैंने आप लोगों को समझाया था कि इन दोनों को अगर आपको इस फॉर्म में लिखना होगा तो आपको क्या करना है 4052 जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, तो 4052 इंटू क्या होगा 3, 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर जो होता है उसको प्लस करते हैं। ठीक है, 420। अब यहाँ पे अगर देखो आप लोग, यहाँ पे ये पूरा नंबर 0 नहीं है, हमें ये पूरा नंबर को 0 बनाना होता है। ठीक है, तो अगर 0 नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, ये जो नंबर है इसको फिर से लिखोगे यहाँ पे 4052 इक्वल टू, और ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको यहाँ पे लिखेंगे 420। ठीक है, अब इसको फिर से सेम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करते तो कितना आएगा दैट इज 4052
5 2, और किससे डिवाइड करना है 420 से, ठीक है। तो 420 से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको 420 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगर 2 जा करते हैं या 1 जा करते हैं तो बहुत कम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 जा करता तो कितना आएगा, 0 4 2 8 1 6 8 0, ठीक है, जो कि फिर भी कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 से करते हैं, तो 9 से करने से कितना आएगा, 0 9 2 8 1 है, 9 4 36 137 3 7 8 0, ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोग 429 जा करते हैं, 429 जा, ठीक है, तो कितना आएगा रिजल्ट, 3 7 8 0, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं माइनस, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2, इधर से 1 गया, फिर इधर से 1 गया, तो 15 में से 8 गया तो 8 बिकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1 गया तो यहाँ पे क्या बचा, 9, 9 में से 7 गया तो 8 बिकम 2, ठीक है। अब कितना आ गया, अब मैंने आप लोग को समझाया था कि क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जो रिमाइंडर होता है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, 420 into 9 प्लस रिमाइंडर कितना आया, 272, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पूरा नंबर क्या है, 0 नहीं है, तो अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 420 इक्वल टू 272, ठीक है। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 420 फिर से डिवाइड करेंगे 272, तो अगर 272 से करते हैं, 272 जा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 जा 272, अब इसको माइनस करते हैं, इधर से 1 दिया तो 10 में से 2 8, अब इधर से 1 दिया 11 में से 7 गया तो 4, ठीक है। अब यहाँ पे यहां से 1 दिया तो यहाँ पे 3 में से 2 1, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस 148, ठीक है, तो 272 इंटू क्या क्या करेंगे, 1 प्लस 148, ठीक है। अब फिर भी लास्ट में 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे, दैट इज 272 इक्वल टू इधर कितना, 148। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इधर कितना है, 272, तो यहाँ पे 272 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 148, तो यहाँ पे 148 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे 148 2 जा करते हैं तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 148 1 जा 148, अब इसको माइनस करते हैं, तो जब आप लोग इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 12 में से 8 गया तो 4, इधर 6 में से 4 2 और इधर 2 में से 1 1, तो ये कितना आ गया, 148 यहाँ पे इंटू होगा 148 इंटू 1 प्लस कितना आ गया, 120, ठीक है। फिर भी लास्ट में 0 नहीं आया तो फिर आप लोग इसको लिखो, 148 इज इक्वल टू इधर कितना है, 124, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 148 और इधर कितना 124 2 जा करने से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए 1 जा करते हैं तो 124, इसको माइनस किया तो कितना आ गया, दैट मीन्स 1 में से 4 4 4 में से 2 2, ठीक है। अब तो इंटू क्या करेंगे हम लोग, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, बस रिमाइंडर कितना है, 24, ठीक है। अब इसको फिर से आप देखो, फिर लास्ट में 0 नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा, 124 इज इक्वल टू दैट इज 24, ठीक है। अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 124, तो यहाँ पे 124 और इधर कितना है, 24, तो ये 24 हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 24 अगर 5 से करते हैं तो 0 2 है 120 आ जाएगा, तो 24 कितना करेंगे, 5 जा तो कितना आएगा, 120। अब इसको माइनस करने से कितना आएगा, 4 ये 0 और ये 0, तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू क्या होगा, 5 प्लस रिमाइंडर कितना हमारा, 4, ठीक है। फिर भी लास्ट में 0 नहीं आया, ठीक है ना, तो अगर लास्ट में 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से करेंगे, तो इसको फिर से लिखो, 24 इक्वल टू इससे कितना है, 4 इंटू, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 24 किससे, 4 से, तो 4 से कितना होता है, 24, इसको माइनस कर कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू क्या होगा, 6,
प्लस रिमाइंडर कितना है जीरो। तो यहाँ पे देखो जहां पे आप लोग का रिमाइंडर जीरो आ जाए, यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये जो नंबर है ना ये जो, इसको हम लोग बोलते हैं सी। ठीक है, जहां पे रिमाइंडर जीरो आ जाए पूरा वैल्यू, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इक्वल टू आ गया दैट इज इन दोनों का दैट इज फोर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा दैट इज एग्जाम्पल टू। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल टू, दैट इज चैप्टर वन का एग्जाम्पल टू करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दैट इज सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसे हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में इवन इंटीजर को। ठीक है, और जो भी ओड इंटीजर है उसे हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज ये जो एग्जाम्पल टू है चैप्टर वन का, ये चैप्टर वन का है। ठीक है, चैप्टर वन का जो एग्जाम्पल टू में हमें क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज सो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितना भी इंटीजर है, हम लोग जानते हैं इंटीजर किससे बनता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव वन, नेगेटिव नंबर से। तो हम लोग क्या करना है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम लोग को किसमें रिप्रेजेंट करना है, टू क्यूब के फॉर्म में। लेकिन याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा, पॉजिटिव इवन इंटीजर को। ठीक है, उसको हम लोग को टू क्यूब के फॉर्म रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे हम लोगों को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज टू क्यूब प्लस वन। अब ये वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और एंड बी इक्वल टू, बी का भी क्या लेंगे, दैट इज जो नंबर यहाँ पे होगा ना वही नंबर हम लोग क्या लेंगे, ये बी का भी लेंगे। तो दैट इज यहाँ पे बी का भी कितना है टू है, तो यहाँ पे क्या लेंगे टू। याद रखिएगा हम लोग किसको यूज करके इसको प्रूव करना है, हम लोग को यूक्लिड कॉन्सेप्ट, यूक्लिड इक्वेशन को, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जो ये होता है यूक्लिड कॉन्सेप्ट, इसको यूज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन दैट इज बी। तो यहाँ पे जो बी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो हम लोग का डिवाइजर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आपको नंबर प्रोवाइड होगा वो आपको लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, यूक्लिड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे हम लोग यूक्लिड कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे जो यहाँ पे जीरो होता है वो क्या होता है स्मॉलर देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक है, अब यहाँ पे ए जो होगा वो सेम आएगा, ए इक्वल टू बी की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू का क्यू प्लस का प्लस, अब यहाँ पे आर का आर। ठीक है, अब ये कोमा का कोमा इक्वल का जीरो का जीरो लेस देन इक्वल टू आर का आर, फिर लेस देन, अब बी का वैल्यू कितना है टू है, तो यहाँ पे टू रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर देखो आप लोग आर का वैल्यू जीरो के इक्वल भी है और जीरो से बड़ा भी होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन टू से छोटा होना चाहिए, लेस देन टू होना चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर हमारा क्या होगा, दैट इज पहले तो जीरो आएगा कंपल्सरी, बिकॉज आर जो है जीरो के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, नीचे वाला साइन का मतलब इक्वल,
और r जो होगा जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो वन लेकिन टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज टू यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। तो याद रखिएगा r बीच में, इसका मतलब हर इक्वेशन में जीरो तो आएगा लेकिन यहाँ पे जो नंबर होगा उससे कम नंबर आएगा, ठीक है। जैसे जीरो और वन आ गया, लेकिन टू दिया यहाँ पे तो टू नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे फोर देता तो कितना आता, जीरो वन टू थ्री तक आता, फोर नहीं आता। अगर यहाँ पे फाइव देता तो जीरो से लेके फोर तक नंबर आता, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर तो आ गया, अब लिखेंगे इवन वैल्यू, इवन वैल्यू ऑफ आर क्या आएगा, इन दोनों में से इवन हम लोग किसको सपोज करेंगे, जीरो को, तो ये जीरो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ओड वैल्यू क्या आएगा, ओड वैल्यू ऑफ आर, यहाँ पे क्या आएगा, ओड वैल्यू दैट इज वन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब फोर फोर, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके वैल्यू लेते हैं। पहला आर इक्वल टू जीरो, दैट इज इवन के लिए, तो फोर आर इक्वल टू जीरो, हमारा जब r का वैल्यू जीरो होगा तब अब हमें इसमें पुट करना चाहिए, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या था, दैट इज टू क्यू प्लस आर, और a इक्वल टू टू क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना, जीरो, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू टू क्यू, ठीक है। अब दूसरा ये हो गया इवन के लिए, ठीक है। तो इवन के लिए मुझे जो शो करना था दैट इज टू क्यू, वो मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फोर आर इक्वल टू, अब क्या लेना है वैल्यू, वन लेना है। तो अगर वो आर का वैल्यू वन लेंगे तो यहाँ पे फिर से वन पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या होगा, ए इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा टू क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना है, वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड फॉर्म में, ये हो गया इवन फॉर्म में। तो ऑड के फॉर्म में हमको टू क्यू लिखना था, रिप्रेजेंट करना था, टू क्यू हो गया, और इवन को इवन के फॉर्म में, सॉरी इवन के फॉर्म में टू क्यू रिप्रेजेंट करना था जो कि मैंने कर दिया, और ऑड के फॉर्म में मुझे क्या लेके आना था, टू क्यू प्लस वन, तो ये आ गया टू क्यू प्लस वन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल टू चैप्टर वन का। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ समझाया एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू चैप्टर वन का। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज एग्जाम्पल थ्री एंड फोर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।